कौन है, ये जीवी के पापा है, और ये जीवी के पापा की तब की फोटो है जब जीवी के पापा को फर्स्ट बार पोलियो पिलाने के लिए लेके गए थे। तो ये जीवी के पापा की तब की फोटो और ये पापा हैं, तो ये फोटो है। तो ऐसी करके यही होती है मेमोरी। अब ये कब गए थे, ये जीवी के पापा को तो याद नहीं होगा कि कैसे गए थे, कब गए थे और कितने से थे। ये फोटो देख के, ये तस्वीरें देख के वो मेमोरी के बारे में पता चलता है हम लोगों को। तो इसी वजह से फोटोज लेना, सेल्फी लेना, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, हर चीज की, हर मोमेंट की तस्वीरें लेना इसीलिए ही जरूरी है। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपका बेस्ट मोमेंट होता है, फेवरेट मोमेंट होता है, तो उसकी एक तस्वीर जरूर लें और इसी तरीके से सजे के रखें। तो ये देखो जीवी के पापा। तो दोस्तों, पहाड़ों की इन धूपों में ना हम लोग बाहर ऐसे ही धूप की मालिश कर रहे हैं, क्योंकि धूप में अच्छा होता है मालिश करना। यहाँ की धूप, पहाड़ों की धूप ऐसी है कि मतलब हवा नहीं है पहाड़ की धूपों में, तो इस तरीके से हम मालिश कर सकते हैं बाहर पे। तो आज भी और जिस दिन आए थे भी मैंने डुगू की मालिश ना ऐसे ही की। इसको बाहर धूप में इतना अच्छा लग रहा है मालिश करने में, और बहुत अच्छे से करा भी ले रही है, धूप में ही नहा भी ले रही है, धूप में ही मालिश भी करा ले रही है। तो देखो डुगू की मालिश हो रही है आज। इसके बाद क्या बोया जाता है यहाँ पे? अब गेहूँ, अच्छा धान, धान बट अच्छा ऐसी चीज है। तो दोस्तों, ये होती है जौ की बाली, और इसमें से निकलते हैं जौ। अब इसमें से जौ निकाल के बाकी की इसको बाबू ये दाला बनाएंगे। ये खाने के लिए नहीं है? ना ना, इसको नहीं खाते, गाय के लिए दाला वो बनाएं। अच्छा, ये गाय के दाला बनाने के लिए। इसमें से ये तो जौ निकलेगा ना? हाँ, ये तो जरूर है। ये निकालोगे और फिर इसका दाला बना लोगे ना? ये जौ की बाली है। यहाँ ये जौ कटने लग गए हैं। दूर की रोज रोज दो मास हो, दो मास। ना कैसे लगाऊं फिर? अब जा, ये कैसे खिसक रही है आगे को, कैसे खिसक रही है? जा, पहुंची गई वहां पे तक का। किसके पास गई? दादी के पास। उज्जा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पहुंच गई इतनी दूर। अभी तेरे को देख, हजी कर दे, अब अच्छी हजी कर दे, अभी करती है ऐसा वाला चीज वाला कर दे डुगू। अरे मम्मी से डकार दिलाओ, डकार नहीं दिलाई, इतना उठ, इतना आगे को आ गई, पहले डकार ले ली खुदी। गुस्सा दिखा रही है, पकड़ा नहीं करके गुस्सा दिखा रही है, दिखा गुस्सा। कल्लू है तू, कल्लू है ना, कल्लू है ना तू, कल्लू है ना, कल्लू है ना, ना 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 ना। आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? इतने सारे लोगों के लिए ऑटो में बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ।
कुछ ऐसी बनती है लोहे की कढ़ाई में सब्जी। तो हमने भी आज कद्दू की सब्जी बनाई हुई है, वो भी लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई से मिलता है हमको आयरन। तो लोहे की कढ़ाई का खाना ना बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, तो हम लोग लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। देने के लिए आई थी जो हमारा डॉगी है उसे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है। रात हो गई और वो कुत्ता पता नहीं कहाँ गया। तो उसे खाना भी कैसे दूँ, इतनी रात हो गई। तो पहाड़ों में ना कब रात हो रही है, कब दिन हो रही है, कब सुबह हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि अपने पहाड़ आके ना ऐसा ही होता है, दिन भर धूप सेको, खाना बनाओ खाओ, और घर के छोटे मोटे कामों में कब दिन निकल जाता है, जलता है। तो हाँ, अभी बज गए हैं रात के 8, देख सकते हो आप लोग। तो रात के 8 बज गए हैं और खाना पीना तो सब बन चुका है, बस जीवी को सुला रही थी थोड़ी देर। तो जीवी को भी सुला चुकी हूँ, जीविका सो गई है। आज के ब्लॉग का एंड अब यहीं पे कर देते हैं। आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग सबसे पहले आप तक का पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं कुछ ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।